दादी आप कुछ खाओगे? नहीं दादी मम्मा। अरे परी कहाँ गई? परी कहाँ चली गई? ये लड़की फिर गायब हो गई। पता नहीं कौन सा स्प्रिंग लगा इसके पैरों के नीचे कि एक जगह टिकती ही नहीं। ये लड़की मेरा जबकि अनछुपी आप बोल के गए कि हम सबको एक ही कमरे में रहना है। मैं देख कर आती हूँ। कहीं मिला? नहीं बाबा कहीं नहीं मिला। पूरा घर छान मारा फिर भी कहीं नहीं मिला। नहीं ये तो नहीं। परी बेटा आपने ये संडे को छुआ तो नहीं ना? नहीं मम्मा। लेकिन शड्डा पहले तो यहाँ नहीं था फिर यहाँ कैसे आया? पता नहीं पापा पानी पीने जा रही थी तो फिर मुझे ये दिखा। परी यहाँ है क्या? परी आप क्यों बाहर आए? आपसे मना किया था ना। ये क्या इतना बड़ा अंडा? ये वही अंडा है क्या? हाँ, आप सब पीछे हट जाइए। थैंक गॉड हमें ये अंडा यहाँ पर मिल गया। इस घर में रहेगा तो आप सबके लिए खतरा बना रहेगा। हम इसे अपने लैब ले जाएंगे ताकि इस पर स्टडी कर सके, इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन पता कर सके। और ये हर वक्त हमारी साइट में रहे। लाइट में रहे? है ना मेरे फोन में। ये लीजिए लाइट। नहीं लाइट नहीं, अपने कान बंद कर दीजिए। बात बात पर तुम कंपाउंडर की तरह लिखना का शुरू कर देती हो यार। हमने सीख लिया आपके लिए। पतिदेव जी क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं? बहुत दर्द हो रहा है क्या? यार तुम हमारे लिए कितना कुछ मेहनत कर रही हो, बताओ तुम हमारे लिए पढ़ना लिखना सीख गई? रो क्यों रहे हैं? अरे अपनी फूटी किस्मत पे रो रहे हैं हम। आपको पता है आप जब हमको आई लव यू बोलेंगी तो हम कितना मिस करेंगे उसको। ऊपर से ये हमारा हाथ जल गया है और समझ में नहीं आ रहा है ठीक कैसे होगा। और तो और बढ़ता जा रहा है, इसमें पेन भी हो रहा है। और एक दिल की बात बताए हम आपको, आपके जो ये ही वाला साउंड इफेक्ट है वो भी हम कितना मिस करेंगे। पतिदेव जी रोइए मत प्लीज, आप रोना बंद कर दीजिए। एक मिनट। आई लव यू ही आई लव यू टू ही। लेकिन ऐसे कैसे चलेगा आप बताइए? पूरी जिंदगी हम ऐसी बहरे रहेंगे? हम आपको कुछ बोले? धीरे बात कीजिए। आप हमको कुछ बोले? यही चलता रहेगा, भरी जवानी में हम बहरे हो गए हैं। और किसी और से अगर बात करने जाएंगे तो क्या वो हमको किताब पे लिखते देगा? सोचे तो रीवा वंशी बन जाएंगे। अरे कहाँ भाग के जा रही हैं आप, हमारी बात तो सुनिए। How is it possible, Dad? मतलब जब भी इस संडे पर लाइट पड़ती है तो ये इतने जोर से चिल्लाता है कि कोई भी इंसान बहरा पड़ सकता है। नमन के साथ भी ऐसा ही हुआ था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। Be careful, Dad. आपको तो कुछ नहीं हुआ। इसका एक ही मतलब हो सकता है, ये अंडा असली अंडा नहीं है बल्कि हमें गुमराह करने के लिए इसे यहां रखा गया है। तो फिर असली अंडा कहाँ है? असली अंडा यहाँ है।
मेरे पास, और वो बेवकूफ रीवावंशी उस नकली अंडे को असली समझ रहे होंगे जो मैंने परी के हाथ से भिजवाया था। वो अंडा उनके घर भेजना जरूरी था ताकि रीवावंशी वहां जाए और मुझे इस तहखाने के अंदर आने का मौका मिल सके। क्योंकि मुझे इस अंडे की भूख मिटानी थी। इस अंडे की भूख काली शक्तियां ही मिटा सकती हैं, और उसके लिए रीवावंशी के इस तहखाने से बेहतर जगह और क्या हो सकती थी। अपना पहला खाना खाने के लिए तैयार हो? इसे खाने के लिए 8 काली शक्तियां चाहिए, लेकिन यहां तो सिर्फ 7 ही है। एक वक्त था जब ताकत में हम दोनों बराबर हुआ करती थी, लेकिन अब तेरे जैसी मामूली चुड़ैल की मेरे सामने कोई औकात नहीं। आपको हाथ में दर्द हो रहा है क्या? नहीं दादी मम्मा, पर मुझे प्यास लगी है। प्यास लगी है? एक मिनट। हाँ, आराम से, आराम से। शाबाश। ये लो राजेश, पानी पानी पियो। अरे आधी ग्लास तो। अरे दादी मम्मा, मेरा हाथ ग्लास से चिपक गया। क्या फुरू? ये क्या था? ये किसी भाभी, ये तो चिपक गया। हमको तो लगता है कि ये इस घाव का ही असर है। आदि, तुम्हारे पास शक्तियां हैं, उनका इस्तेमाल करो। गिलास को अपने हाथ से अलग करने की कोशिश करो। नहीं करना है दादू। अब क्या करेंगे? निशान जी, पक्का है आपको ये अंडा नकली है? ये नकली ही है। लेकिन ये नकली अंडा यहाँ किसने रखा होगा? पता नहीं कुड़िया, लेकिन वो जो कोई भी है, वो नहीं चाहता कि हम असली अंडे तक पहुंचे, इसलिए हमें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए उसने ये अंडा यहाँ रख दिया। पर डैड, वो अंडा अपने आप मूव करता है, फिर आपको कैसे पता कि कोई और भी इसमें इन्वॉल्वड है? क्योंकि असली अंडा अपने आप मूव करता है, ये अंडा नकली है। ये अपने आप तो यहाँ नहीं आ सकता, जरूर किसी और ने इसे यहाँ रखा है। मगर ये कौन हो सकता है? मोहना तो बांधा आपने कह दे, तो फिर और कौन हो सकता है? निशान जी, पिया, आप लोग मेरे साथ चलिए जल्दी। क्या हुआ माँ? वो आदि, वो आदि। Let's go, let's go, come on। माँ, लेकिन हुआ क्या है माँ, बताओ तो सही। आदि, आदि, क्या हुआ बेटा? अरे बाप रे, ये क्या हो गया? आदि को छूना मत। निशान जी, आदि जिस चीज को भी हाथ लगाता है वो उसके हाथ के साथ चिपक जाती है। हमने काफी कोशिश की छुड़ाने की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये सभी उस अंडे की वजह से हुआ है। लग तो ऐसे ही रहा है ना बाबा। आखिर क्या है उस अंडे के अंदर? एक चीज है जो हमारी मदद कर सकती है।
अब जैसे ही इस अंडे का पेट भरेगा ये मेरे अगले वार के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगा। और फिर वो होगा जो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा। पागल हो गई हो क्या तुम? निकालो हमें यहाँ से, नहीं तो बहुत बुरा होगा। आदि बेटा, हम ये पोषण तुम पर डालने वाले, कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। अब अपना हाथ उठाने की कोशिश करो। कुछ करो लेकिन नहीं छूट रहे। ये पोषण यंत्र पे तो काम नहीं कर रहा, इसका मतलब है कि वो संडे की शक्ति बढ़ती जा रही है। इसका मतलब हमारा आदि अभी ऐसे ही रहेगा। बाबा कुछ करिए प्लीज। आदि को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा बेटा, सब ठीक हो जाएगा। इस प्रॉब्लम का कोई ना कोई सलूशन जरूर होगा। दी हम लैब जाते हैं और इसका सलूशन ढूंढने की कोशिश करते हैं। आप में से कोई भी आदि को छुइएगा मत। मैं जानता हूं आप लोग परेशान है लेकिन प्लीज इसे छुओ मत। निशानी जल्दी आइएगा। आदि, बेटा मैं जानती हूँ आपको बहुत दर्द हो रहा है। बेटा आप अपनी क्लास में सबसे टॉल हो, है ना? आज आप प्रूफ कर दो कि आप दर्द से भी टॉल हो। दर्द भी आपके आगे छोटा है। आप सबसे स्ट्रांग है ना? स्ट्रांग बच्चे गिव अप नहीं करते। बेटा हम कोई ना कोई सलूशन जरूर निकाल देंगे, आप बिल्कुल डरना नहीं। ओके आई नो मम्मा, आप और पापा इस प्रॉब्लम को भी फाइट करके हरा दोगे। आदि आदि बेचारे अंशु और पिया, कोई भी अपने बच्चों को ऐसे तकलीफ में नहीं देख सकता। चिंता मत करो वेदिश्री, देवी माँ है ना हमारे साथ, वो हमारे आदि को जल्द से जल्द ठीक करेंगे। और निशान जी गए हैं ना, वो जरूर कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। आदि आप चिंता मत करो। हाँ बेटा, आपके नानू पापा आपको जल्दी से ठीक कर देंगे। कोशिश करती हूँ। नहीं छूट रहा। बस थोड़ी देर और। अतिदेव जी, अरे मिसेज जी, अरे यार तुम काम को छोड़ के चली गई यार। अबे चुड़ैल मिसेज, तुमको पता नहीं है मिसेज क्या होती है? हाँ वाइफ दुख दुख की साथी होती है, और तुम आके हमको ये प्रॉब्लम में, मुसीबत में हमको अकेला छोड़ के चली गई। पतिदेव जी, और तो और भरी जवानी में हमारे साथ कितना अन्याय हुआ है। हमारी मदद कीजिए, पहरे हो गए हैं हम, और तुम भी हमको छोड़ के चली गए। नहीं 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 नहीं, गलत है, गलत है। पतिदेव जी, पतिदेव जी, पतिदेव जी, हम यहाँ यहाँ हैं, हमारी मदद कीजिए। अब ना तुम्हें बचाने वाला कोई है, ना ही इसे रोकने वाला कोई। आई
रहे हो? उसे ढूंढने जिसने मेरे बेटे की ये हालत की है। अंश, हम सब जानते हैं आदि की हालत उस अंडे को छूने की वजह से हुई है। वो अंडा हमारे घर में था, लेकिन अब वो अंडा कहाँ है, घर पर है भी या नहीं, हम नहीं जानते। कहाँ ढूंढोगे? तो क्या करूं भैया? हाथ पे हाथ धरे हाथी को तकलीफ में देखता रहूं? इस वक्त हमारा आदि के पास रहना ज्यादा जरूरी है। इतना बेबस और लाचार मैंने आज तक महसूस नहीं किया। निशक्तिया होने के बावजूद मैं आदि के लिए कुछ नहीं कर पा रहा, ना ही अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट कर पा रहा। अंश, ये तुम क्या कह रहे हो? अंश, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मुझे स्वर्ग द्वार से वापस तुम ही लेकर आए थे। अगर तुम नहीं होते तो आज मैं जिंदा नहीं होती। अंश, और मुझे तुम पर पूरा यकीन है। जिस तरह तुम मुझे मौत के मुंह से वापस लेकर आए थे, तुम आदि को भी कुछ नहीं होने दोगे। पता नहीं 6 साल बाद ये सब वापस। अंश, कहीं तुम्हें कोई अफसोस तो नहीं है ना? मेरा मतलब परिका और मेरा इस घर में वापस आना और हमारी शक्तियों का वापस आना कहीं। भैया प्लीज, दोबारा ऐसा सोचना भी मत। तुम्हारा और परिका मेरी जिंदगी में मेरे घर में वापस आता इकलौती खुशी है जिसे मैंने 6 साल में सेलिब्रेट किया। सिर्फ मैं ही जानता हूं तुम्हारे बिना ये 6 साल मैंने कैसे गुजारे। हर रोज मरा हूं मैं। तुम मेरी ताकत हो पिया, तुम हो तो मैं हूं। तुम हो तो हम सब हैं। और जब तक हम साथ हैं, हम हमारे बच्चों को कुछ नहीं होने देंगे। मैं बाबा से पूछती हूँ, उन्हें कुछ पता चला कि नहीं। और मैं हाथी को संभालता हूँ। चल। और कितना खाओगे? ऐसा लग रहा है जैसे जन्मों के भूखे हो। ऐसा पहली बार होगा। एक काली शक्ति दूसरी काली शक्तियों को खत्म कर रही है। वैसे तुम्हारा मर जाना ही अच्छा है। प्रलय युद्ध के समय तुमने रीवा वंशियों का साथ दिया था ना? ये उसी की सजा है। नमन को भी फोन करके बुलाना होगा। मिसेज जी, अबे कैसी मिसेज हो यार? लगता है ये लोग आ गए। जल्दी करो,
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।